हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज 5 का एपिसोड 1, जिसमें हम सबसे पहले दिखाई जाती है वो चमक जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस के लिए वजह थी, और वो जाकर गिरती है अर्थ 483 पर एक सेमेट्री में, यानी कि एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी और एक कब्र पर लिखा हुआ था लिटिल क्लाउड केन। और हमें बताया जाता है कि इसे मॉनिटर कर रही है अल्टरनेट रियलिटी मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्स एजेंसी सेंट्रल कमांड, यानी कि आर्मर, और उसे एक कोड नेम दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं उस यूनिवर्स, यानी कि उस काउबॉय यूनिवर्स का मिस्टर स्टार्क, जिसे एक लड़की ग्रीट करती है और अपने साथ ले जाने लगती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसके पिताजी को क्विक सिल्वर स्पीड कहाँ से मिली, एक मेडिसिन मैन से, जिस पर स्टार्क कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने उनकी डैम नॉवेल वर्जन पढ़ी है। और वो पूछता है कि जिस सैलरी के बारे में उसने कहा था क्या वो उसमें खुश है, जिस पर वो कहती है कि मैंने अभी उनसे इसके बारे में पूछा नहीं है। थोड़ी देर बाद केन और स्टार्क हरिकेन होटल के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसमें से एक को समझाते हुए केन कहती है कि यहां से चली जाओ ताकि कोई तमाशा क्रिएट ना हो, लेकिन वो नहीं मानती। इस पर केन उसे पंच कर अंदर जाती है और कहती है चले मिस्टर आर्नो स्टार्क यहाँ पर, जहाँ पर अंदर जाकर वो कहता है मिस्टर केन स्टार्क एंटरप्राइजेस को ब्रेट सैबर्स वाइल्ड वेस्ट के लिए एक आदमी की जरूरत है जो कि है हरिकेन, और वो आप है। जिस पर हरिकेन मना कर देता है क्योंकि वो कहता है तुम्हें अपने सर्कस के लिए एक परफॉर्मर की ज़रूरत है, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सर्कस से भी बहुत कुछ है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे ही मारकर वहाँ से भगा देता है। इतना होने के बाद आर्नो स्टार्क बाहर निकल जाता है और उसे रास्ते में ही एक ज़ॉम्बी पकड़कर गली में लेकर खाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ जैकी अपने पापा से, यानी हरिकेन से, आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप एक लेजेंड है तो लेजेंड की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, जिस पर वो कहता है कि लेजेंड्स सिर्फ मेमोरीज में जिंदा रहते हैं। जिस पर वो कहती है मुझे इससे बाहर निकलना है और इसके लिए पैसे चाहिए, आप इस जगह में रह कैसे सकते हैं, और इतना कहकर वो अपने माँ से मिलने चली जाती है। तभी दूसरी तरफ जहाँ पर वो चमक आकर घिरी थी, वहाँ पर दो लोग उसे इंस्पेक्ट कर रहे थे और उसमें से एक कहता है हमें इसका सैंपल कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि आर्मर हमें यहाँ पर ढूंढ ले। और तभी सेमेट्री में आ जाती है जैकी अपनी माँ से मिलने या फिर उसकी कब्र से मिलने, और वो वहाँ पर देखती है कि सारी कब्रें खुदी हुई थी। वही शहर में दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में से एक को एक ज़ॉम्बी आकर काट लेता है, और तभी वो सारे देखते हैं कि सारे सेमेट्री के ज़ॉम्बीज वहाँ पर शहर में आ चुके थे और वो सब पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच एक औरत आकर हरिकेन से कहती है कि हमें बचाओ उनसे, वो हम पर जानवरों की तरह टूट पड़े हैं। इस पर हरिकेन पहले तो ध्यान नहीं देता और बाद में बाहर मची भगदड़ देखकर वो कहता है अगर मैंने उन्हें मार दिया तो मुझे क्या मिलेगा। इस पर वो औरत कहती है जो तुम चाहो वो मिलेगा, पहले हमें बचाओ। जिस पर वो अपनी गन्स और एमो देखने लगता है और बाहर आकर सबसे कहता है मुझे लगा था कि मैंने तुम सबको खत्म कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। हरिकेन धीरे धीरे याद करने लगता है कि उन ज़ॉम्बीज में से उसने किन किन को और कैसे कैसे मारा था, और तब वो देखता है कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुका है। तब वो अपनी क्विक सिल्वर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों को उस तेजी से घुमाता है कि एक साथ सबके सर के आर पार गोलियां चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आगे आती है लिटिल क्लाउड जो कि उसकी वाइफ थी, उसे देखकर वो कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, और ये देखकर वहाँ पर आ रही जैकी कहती है हिलिए मत मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं यहाँ मत आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारी मॉम फीवर की वजह से नहीं मरी थी, वो ट्रिक शूटिंग के दौरान मुझसे मारी गई थी। और वो मरते हुए अपने पावर्स चेकअप देते हुए कहता है इन लोगों के हाथ मेरी पावर्स नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी पावर्स तुम्हें पास ओवर कर रहा हूँ। पिक्सिलर्स की पावर पाने के बाद जैक सबको हेड पर गोली मारकर उन ज़ॉम्बीज को मार देती है, और थोड़ी देर बाद वो अपने ही मॉम डैड को अपने सामने देखती है और रोते हुए उन्हें भी गोली मारकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे एक आयरन मास्क वाला ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, इससे ये पता चलता है कि इसके पीछे कौन होगा, और वो उस पर गोलियाँ तो चलाती है लेकिन वो गोलियाँ वेस्ट हो जाती है। और तभी उसके आर पार अपना कटर निकालकर मशीन मैन कहता है थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है फ्लैशी, मैं हूँ मशीन मैन फ्यूचर से, और मेरा डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग इतने एडवांस है कि तुम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते,
इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा भी कर सकते हो, समझ गए। और वो आगे कहता है कि मैं और मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं मल्टीवर्स में, ताकि हम अलग अलग तरह का सैंपल कलेक्ट कर सके इन ब्रेन मंचर्स का और हमारे वर्ल्ड का प्लग इससे क्योर कर सके। जिस पर वो कहती है, तुम किसी अनदर प्लैनेट से आए हो, मैं इस पर यकीन कैसे करूं। तभी हावर्ड द डक उसे बताता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। इसे देखकर जैक कहती है कि तुम एक डक हो और तुमने पैंट्स पहने हुए हैं। इस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे लॉयर ने मुझसे यही कहा। और वो दोनों सैंपल कलेक्ट करके वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो कहती है, अगर दूसरा वर्ल्ड इससे अच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगी। इस पर डक उसे कहता है कि क्यों नहीं एरॉन, हमने देखा ही है कि गन्स के साथ ये कितनी हैंडी है, तो क्यों नहीं। जिस पर वो कहता है कि ऐसा करना ठीक होगा, और बाद में वो मान जाता है और कहता है ठीक है तो ले चलो उसे अपने साथ। और तभी आ जाता है एक प्लैनेट स्ट्रोम, जिसके अंदर जाकर वो देखते हैं जायंट्स रोबोट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।